हमारे कारी साहब साकिब साहब हैं, वो आए हुए हैं अंदर। अभी हम अंदर अंदर जाएंगे। बेहतरीन किस्म का VIP, सारा सिस्टम लगा हुआ है बेहतरीन। ओके हो गया, वेट करो। थोड़ा सा ऐप लगा दिया, कुछ पैसे लगा के बाद में सही करवा लेंगे और इनकी कश्ती बन जाएगी उस जालिम से। दीवार इसलिए सीधी की कि ये दो यतीम बच्चों की दीवार थी और इसके नीचे उनका खजाना था और इनका बाप बड़ा नेक था, तो अगर ये दीवार अब गिर जाती है तो खजाना या तो लोग उठा के ले जाएंगे या बच्चे उसको उड़ा देंगे। इस काबिल नहीं है कि उस खजाने को संभाल सके। जब तक इस अहल नहीं हो जाते उतनी देर तक ऊपर दीवार लगी रहे। और वो जो बच्चा कत्ल किया, फरमाया कि इसके वालदैन अच्छे थे लेकिन इस बच्चे की वजह से वो मुबतला हो जाते आजमाइश कुफ्र और तुग़यान में, तो अल्लाह इनको बेहतर बदल अता कर देगा। हजरत मुफस्सरीन ने लिखा कि उस बच्चे के बदले में अल्लाह जल्ला शानहू ने उसके वालदैन को एक बेटी अता की जिस बेटी की नस्ल से 70 नबी पैदा। बेटे की आरजू, बेटे की तमन्ना ये इंसानी जिंदगी के अंदर रखी गई है। ये ख्वाहिश सीने के अंदर पलती है, जुनून भी बनती है और इंसान मन्नतें भी मानता है, आरजूएं भी करता है, दुआएं भी करता है, अल्लाह मुस्तजाब भी फरमाता है। बेटा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है लेकिन कभी बेटी अल्लाह जल्ला शानहू का इंतखाब बनती है तो वो वालदैन के लिए इज्जतों का निशान बन जाती है। तो उस बेटी की नस्ल से 70 नबी मुनस्सा शहूद पे आती थी। आज का अलमिया ये है कि आज अच्छी माएँ दस्तियाब कम होने के सबब अच्छी कौम मुनस्सा शहूद पे नहीं आ रही। मुर्दा राजर मौत के बदन से मुर्दा वजूद जन्म ले रहे हैं जो गोश्त के लोथड़े तो हैं लेकिन जिंदा मुतहरक और फ़ाल इंसान नहीं है। इसलिए कि अमूमत का वजूद जब मिट गया तो फिर नस्ल का वजूद भी बाकी नहीं रहता। किसी ने कहा था कि मुझे आप अच्छी माएँ दे दें। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने इलाके में नबूवत की, आप जानते हैं पूरा ज़माना मुखालिफ हो गया, मुकावमतें, मुखालफतें, नुकता चीनी की आंधियाँ, नामुवाफ़िक हालात के चक्कर और क्या क्या अजियतें नहीं पहुँचा। हुजूर के बदन पर हरम में नमाज पढ़ते हुए ओझली डाल दी जाती है। उकबा बिन अबी मुआइन ये बदनसीब शख्स है जो कूड़ा उठा के हुजूर के घर के सामने फेंक जाता है। गड़े खोदे गए, कांटे बिछाए गए, अजियतों से हुजूर गुजरे। आज के बाजारों में क्या कुछ नहीं हुआ, किन किन मराहल से मेरे और आपके आंखों वाला नहीं गुजरे, किन किन तकलीफों से हुजूर नहीं गुजरे। अल्लाह अकबर, यारी तेरी सोना पर अजमैशा तेरा अग, सोना पर क्या जामता है नाल पगा तेरा अग। और मैं जितनी तकलीफें मुझे दी गई हैं किसी पैगंबर को भी नहीं दी, बहुत दुख पहुंचाए गए, बहुत तकलीफें पहुंचाई गई की इबादत के और आपने खिलाफत से दस्तबरदारी इख्तियार करके जो है वो उम्मत के लिए जो है वो रास्ता पैदा किया और उम्मत को बिखरने से महफूज कर लिया और ये दुनिया के सामने रखा कि मैं मोहम्मद अरबी का नवासा हूँ, तख्त व ताज का कहा नहीं हूँ,
मेरे नजदीक इतनी तख्त और ताज के लिए लोग क्या नहीं कुछ नहीं करते, लेकिन वो तख्त सिकंदरी पे थूकते नहीं, बिस्तर लगा हो जिनका तेरी गली में। तो हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है कि हाफिज़े जमीयत खैर गुमम तानशीनत आतशे पेकारे की पुष्ट बल जद बल सवे ताजो लगी। कहा कि तख्त को ताज पर कदम रख के गुजर गए, पलट के भी देखा, ये आपके फर्जंद अर्जमंद हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। वह दिगर मौलाए अबरार जहां और दूसरा साहबजादा दूसरा शहजादा हजरत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जहां के नेक लोगों का सिपा साला अल्लाह अकबर। वहां दिगर जबरियत के लिए कुर्बानी की और तख्त और ताज को छोड़ा और दूसरे ने हुजूर खिराज पेश करूं ऐ फातिमा तेरे बहे हुए अश्क और आंसू जिब्रील उठा के छोरी में ले जाए और अर्श के ऊपर वो खेलते अर्श का मान बढ़े अर्श की इज्जत बढ़े। तो ऐ फातिमा अब मैं इन लफ्जों के साथ खिराज पेश करूं जिसके आंसू को जिब्रील उठा के अर्श के शबनम की तरह हया तारे और चांद भी करे अल्लाह अकबर। वो पाकीज़ा सिफ़त के जब कयामत के दिन आएंगी तो 70,000 गुलों के जगहों में आएंगी और आवाज आएगी या अहलल जन्ने खुद्दू अबसारकुम ऐ पैगंबरों ऐ रसूलों ऐ नबियों ऐ सालिहीन औलिया कामिलीन वासिलीन नजरें नीची कर लो मोहम्मद अरबी की बेटी फातिमा की सवारी। क्या हम खिराज पेश करें हमारे दामन में है क्या? तो ये अकीदत नामा ये मोहब्बत नामा ये उल्फतों का खिराज ये तो उनके हुजूर दस्त बस्ता सलामी है और अपनी बेबसी का इजहार है। एक रात क्या सारी जिंदगी दस्त बस्ताओं के हुजूर हम अकीदतों के खिराज पेश करते रहे कहां कहां से लफ्ज तलाश कर लाए लेकिन उनकी अजमतें वराउल वरा हैं उनकी शानें वराउल वरा हैं और उनका खिराज इससे बड़ा क्या होगा कि मेरे हुजूर ने कहा अल्लाह अकबर के फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये एहसास ये शरफ सैयदा के नाम के फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है वो बादा एक कलब मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जाने रहमत जाने अहमद की राहत है उनको तो हम करोड़ों सलाम और लाखों सलाम भी पेश कर सकते हैं। तो ये सलामी है हमारी दस्त बस्ता न्याजमंदी के साथ जुड़े हुए बंधे हुए हाथों के साथ अकीदतों सशाइयों के साथ झुकी हुई आंखों के साथ मदम कमजोर और जो है वो हमारे थके हुए लहजों और आजजी के साथ उनके हुजूर जो है वो इनके सारी के साथ सलामी है कि हम तो इस काबिल भी नहीं अपनी जुबान को 100 बार भी धोए। आपका नाम इतना तकद्दस नाम है कि हमारी जुबानी इस अहल नहीं है कि आपका नाम भी ले सकें। तो आपका एहसास आपका रब जानता है आपकी शाने आपके वालिद मोहतरम जानते हैं और उन्होंने ही आपको अजमतों और रिफतों से नवाजा है। तो जो रिफतें आपकी हैं वो रिफतें वो अजमतें वो शानें उनका सदका इस उम्मत को अदा किया जाए और उम्मत की बेटियों को इस नस्ल को अमूमत का नूर दिया जाए ताकि वो आने वाली नस्ल की अच्छी तरबियत करके एक अच्छी कौम की नहजत की जमानत फराहम कर सके वरना कितना अच्छा हो गया ये अल्लाह सीरिया के यतीमों की मदद फरमा अल्लाह फलस्तीन के मजलूमों की मदद फरमा कश्मीर की बेवाओं की मदद नुसरत रियान फरमा अल्लाह ये उम्मत जख्मों से भर गई निजात अदा कर दे अल्लाह इस उम्मत को विकार अदा कर दे कोई मोहम्मद बिन कासिम अदा कर दे कोई सलाहुद्दीन अयूबी अदा कर दे कोई उमर बिन अब्दुल अजीज अदा कर दे इस मुल्क को कोई फारूक आजम का साया ही नसीब फरमा अल्लाह इस उम्मत को खोया हुआ विकार दे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर भटके हुए आहों को फिर सूए हरम ले चल इस शहर के खूगर को फिर वसत सहरा दे मैं बुलबुल नाला हूँ इस उजड़े गुलिस्ता का तासीर का साहिब हूँ मोहताज को दाता दे अल्लाहुम्मा यदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाह इस मुल्क के हाल पर रहम फरमा दे आमीन अल्लाह इस मुल्क के हाल पर रहम फरमा दे।
पूरे आलम इस्लाम के हाल पर रहम फरमा। अल्लाह जो लबों पर दुआएं हैं नेहा खाना कलूब में हैं सब मुस्तजाब हैं। अल्लाह हमारे दिल इतने स्याह हैं और हम बद आमालियों में इस तरह मुबतला है कि हम तेरे वजूद हाथ फैलाए हुए भी शर्मिंदा हैं इस मुँह से तेरे वजूद मांगे लेकिन काले दिल काले मुँह लेकर तेरी चौखट पर आ गए। अल्लाह हमारे गुनाहों का न देख अपनी कर्म की वसतों से हमें माफ़ फरमा। अल्लाह पूरे आलम इस्लाम की खैर फरमा। उम्मत को फिर वही उरूज और वही बाकबत नसीब फरमा। वही सवेरे वही खूबसूरत लम्हे इस उम्मत का मकसूद कर दे। उम्मत को खोया हुआ व्यापार अदा कर दे। अल्लाह जितने लोग आए हैं सबको खैर अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना अमीन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन। हेलो बाहर इदारतुल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल लगा हुआ है तो आप में से जो साथी तआवुन और अपनी मोहब्बत पेश करना चाहें तो उस स्टॉल पर जाकर दे सकते हैं। बाहर इदारतुल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल लगा हुआ है जो साथी इदारे के साथ तआवुन बाइक ले गया फटाफट। तो भाई फाइनली साकिब साहब चले गए हमारा मतलब लोग भी मुकम्मल हो गया माशाल्लाह दुआ भी अच्छी हो गई और बहुत मजा आ गया बेहतरीन हो गया वीआईपी हो गया इधर पैसे तो डाल फटाफट। तो अभी हम जो है ना जाएंगे हमारा हो गया अभी क्या वीआईपी दुआ भी हो गई मजा भी आ गया हमारे साथ है ओके हो गया फोन अल्लाह हाफिज़।